जी मैं सबसे पहले तो अमन भाई का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक सॉन्ग जो है देश के किसानों को और जो देश की पुलिस है उनको समर्पित करते हुए के ये सॉन्ग गाया। इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। और ये जो सॉन्ग क्या है, इससे एक तो मोटिवेशन मिलेगी किसानों को, दूसरा इसके अंदर पुलिस को भी इन्होंने इसके ऊपर बोला है कि जिस तरीके से ये किसानों के ही बेटे हैं और 24 घंटे ये ड्यूटी करते हैं, इसके अलावा दूसरे कुछ महकमे उनके अंदर जब 8 घंटे की ड्यूटी होती है, सभी के एक रूल होता है कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो उससे अगर कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है तो उनको एक ओवर टाइम मिलता है। जैसे रोडवेज के कंडक्टर है या बस ड्राइवर है तो उनको ओवर टाइम मिलता है, लेकिन पुलिस के एक जवान ऐसे हैं जिनको 24 घंटे उनसे काम लिया जाता है लेकिन उनकी जो एक्स ओवर टाइम है वो उनको नहीं मिलता है। तो ये जो सॉन्ग है, इस सॉन्ग के माध्यम से इन्होंने जो है वो देश को और समर्पित किया है, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मनीष जी एक अपने चैनल दे थ्रू एक सवाल पूछ रहे ने भी, अगर देखो जो प्रोटेस्ट है एक सरकार दे खिलाफ आ ते लेकिन प्रशासन नु क्यों एदे विच गलत कहा जांदा है, देखो प्रशासन दा ड्यूटी निभा रहा है। नहीं, प्रशासन को कभी गलत नहीं कहा गया है। प्रशासन, हम तो हमेशा जो नारे लगाते हैं वो ईमानदार लोगों का जिंदाबाद करते हैं कि ईमानदार अधिकारी, ईमानदार कर्मचारी है वो जिंदाबाद है, जो बेईमान और भ्रष्ट है उनको मुर्दाबाद करते हैं। तो बेईमान वो चाहे कोई है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे देश का नेता है, चाहे कोई भी है, वो तो सारे मुर्दाबाद ही रहेंगे, जो ईमानदार है वो सब जिंदाबाद रहेंगे। Bye.